राज मत्स्य लोक की रानी ने राजकुमारी को जन्म दिया था। पूरे मत्स्य लोक में खुशियां मनाई जा रही थी। महारानी ने जादूगरनी सुमी को बुलाया। सुमी, मेरी बेटी वो है जिसे इस ब्रह्मांड ने अपने आखिरी वंशज के रूप में चुना है, जिसकी मृत्यु के पश्चात उसका रक्त नील मणि में बदल जाएगा। मेरी बेटी को अपनी ये नील मणि उसके राज्याभिषेक होते ही प्राप्त हो जाएगी। उसे हमारे देवताओं ने हम सबकी भलाई के लिए चुना है। उस नील मणि में इतनी शक्ति होगी कि पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित कर सकती है। इसे धारण करने वाला यथाशक्ति का मालिक होगा। लेकिन अगर ये नील मणि किसी गलत हाथों में पड़ गई तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा क्या महारानी? राजकुमारी के 18 वर्ष के होते ही इसका राज्याभिषेक किया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व इसकी जान को खतरा है। खतरा? कैसा खतरा महारानी? 18 वर्ष की होने पर इसके अंदर सभी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, लेकिन उस समय इसका विवाहित होना भी जरूरी है। किंतु उससे पहले अगर इसके रक्त से बने नीलमणि को जादूगर कपाली ने अपनी जादुई छड़ी में लगा लिया तो फिर ये राज्य समाप्त हो जाएगा और वो दुष्ट सबको गुलाम बना लेगा। अभी भी बात कर ही रहे थे कि एक दासी दौड़ती हुई आई। महारानी, जादूगर कपाली ने महल पर हमला कर दिया है। सुमी, तुम कपाली की सगी बहन हो, पर मुझे तुम पर अपनी दोस्ती पर भरोसा है। अपनी जादुई विद्या से तुम ही मत्स्य लोक की रक्षा कर सकती हो। मैं अपनी जादुई शक्तियों से मत्स्य लोक को पानी के जादुई शीशे से पूरी तरह से बंद कर दूंगी, जिससे ये हमेशा सुरक्षित रहेगा। सुमी, ये नील मणि मेरी निशानी है, तुम इसे राजकुमारी के गले में डाल दो। अब सब तुम्हारे हवाले है। ऐसा कहते ही महारानी ने अपने प्राण त्याग दिए। महारानी के मरते ही सारे लोक में दुख का माहौल छा गया। सागर में तूफान उठने लगा, सारा पानी मैला होने लगा। इतने तूफान में कपाली को कुछ हासिल न हुआ और वो कुछ पता न लगा पाया। राजकुमारी की रक्षा के लिए उसे यहाँ से पृथ्वी लोक छोड़ना होगा, वरना जादूगर कपाली उसका पता लगा लेगा। सुमी जादूगर ने राजकुमारी को एक छोटी सी बच्ची के रूप में बदल देती है और सागर में खड़ी एक नाव में रख देती है। आज मैं अपनी नाव को समुद्र के बीच में ले जाऊंगा। आसमान साफ है, आज काफी मछलियां पकड़ में आ जाएंगी। हाँ, अचानक भीमा को नाव में से किसी बच्ची की रोने की आवाज आती है। हे भगवान, मेरी नाव में ये छोटी सी बच्ची किसकी है? देखने में तो किसी राजघराने की लगती है, इसे घर ले चलता हूँ। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? इधर आओ जल्दी। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, ये किसकी बच्ची उठा लाए आप? अरे उठा के नहीं लाया हूँ, आज जब मैं मछली पकड़ने गया था तो मैंने देखा कि ये रो रही थी। वहाँ दूर तक कोई नहीं था, लगता है पैदा करके छोड़ दिया है इसे, शायद पालने की हिम्मत नहीं थी। जाने दीजिए, कौन जाने किसके घर की परिस्थितियाँ कैसी थी। लगता है इसका हमारे भाग्य में आना तय था, तभी तो इतने सारे मछुआरों के होते हुए ये सिर्फ हमारे घर आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सोनी गोद भर दी। धीरे धीरे 14 साल बीत गए। राजकुमारी रिमझिम को भीमा और रमा लाड प्यार से पालने लगे। रिमझिम बचपन से ही बड़ी दयालु थी, वह सबकी सहायता करती थी। एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी कि अचानक उसकी सहेली पेड़ से नीचे गिरने लगी। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, रिमझिम मुझे बचाओ। रिमझिम ने अचानक अपना हाथ पेड़ की तरफ किया और उसकी सहेली धीरे से पेड़ के नीचे आ गई। सभी हैरान रह गए। ये तूने कैसे किया? रिमझिम, तूने मुझे बचा लिया। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो खुद ही हो गया। ऐसे ही अब अक्सर जब भी कोई मुसीबत में होता और रिमझिम को पुकारता तो तुरंत उसकी मदद कर देती, क्योंकि उम्र के साथ ही उसकी शक्तियां भी बढ़ रही थी। नहीं बाबा, आज मत जाओ, आज सागर में भयानक तूफान आने वाला है। अरे पगली, आसमान तो पूरा साफ है, कुछ भी कहती रहती है,
चलो भाइयों चलो। ठीक है बाबा, अगर मेरी बात नहीं मानते तो वादा करो तूफान आने पर मुझे जरूर पुकारोगे। तो ये बात ठीक है मेरी प्यारी बिटिया रानी, मैं तुझे जरूर पुकारूंगा। बाकी मछुआरों के साथ भीमा कुछ ही दूर गया होता है कि अचानक सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और उनकी नाव तूफान में घिर जाती है। रिमझिम ने कहा था कि तूफान आने वाला है, हमने उसकी बात नहीं मानी। ये तूफान तो बहुत तेज है, इससे बचना मुश्किल है। आखिरी बार रिमझिम को पुकार लो। रिमझिम! रिमझिम अपने दोस्तों के साथ खेल ही रही थी कि उसके कानों में भीमा की आवाज पहुंच जाती है जो किसी और को सुनाई ही नहीं देती। मुझे पापा ने बुलाया है, मुझे पापा को बचाना है। वो दौड़ती हुई सागर के किनारे जाती है और अपने दोनों हाथों में सागर के पानी को भर लेती है। उसके ऐसा करते ही तूफान शांत हो जाता है और भीमा अपने मछुआरे दोस्तों के साथ सही सलामत वापस आ जाता है। आज 17 वर्ष हो गए, लेकिन अपनी जादुई शक्तियों के होते हुए भी मैं राजकुमारी का पता नहीं लगा पाया। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी सभी जादुई शक्तियों, स्वर्गलोक, पाताललोक, पृथ्वीलोक, हर जगह जाकर राजकुमारी का पता लगाओ। मुझे उसके 18 वर्ष के होने से पहले उसके रक्त का नील मणि चाहिए। जादूगर की छड़ी में से 3 रोशनी निकलने लगती है और एक बड़ी चील का रूप लेकर धरती की तरफ उड़ जाती है, एक उल्लू का रूप लेकर स्वर्गलोक की तरफ जाती है और एक नाग का रूप लेकर पाताल लोक की तरफ। 17 वर्ष बीत गए, मैंने राजकुमारी को पृथ्वी लोक में भेज दिया, लेकिन मैं स्वयं नहीं जानती राजकुमारी कैसी है और किस हाल में है। समय कम है, कपाली ने अपने सेवकों को राजकुमारी का पता लगाने भेज दिया होगा। कपाली के राजकुमारी तक पहुंचने से पहले ही हमें राजकुमारी का राज्याभिषेक करना होगा, वरना कपाली पूरी पृथ्वी को गुलाम बना लेगा। सुमी रूप बदल कर पृथ्वी लोक पर राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ती है। राजकुमारी एक बड़ी तितली को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। ये इतनी सुंदर तितली है, इतनी बड़ी तितली। तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं रिमझिम हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मैं तो एक जादूगर राजकुमार हूँ जिसे सजा देने के लिए मेरे पिता जादूगर ने तितली बना दिया, लेकिन तुमने मुझसे बात करके मुझे वापस राजकुमार बना दिया। अपनी शक्ति से अब मैं तुम्हें तितली बनाकर अपने देश ले चलता हूँ, वहाँ मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगा। रिमझिम तितली के रूप में जादूगर राजकुमार के साथ उसके देश चली जाती है। अरे राजकुमार, तुम अपने साथ किसे लेकर आए हो? मुझे तुम्हारे साथ किसी मत्स्य कन्या की खुशबू आ रही है। महाराज, आपका जादू गलत सूचना दे रहा है। मैं तो अपने साथ पृथ्वी लोक की एक लड़की को तितली बनाकर लाया हूँ। राजकुमार जैसे ही तितली को बाहर निकालता है, जादूगर अपने जादू से पहचान लेता है कि वह मत्स्य राज की राजकुमारी है। अरे, ये तो वही राजकुमारी है जिसे बड़े भैया पिछले 18 सालों से ढूंढ रहे हैं। उन्हें तुरंत सूचना देनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा भाई जादूगर कपाली बहुत बड़ा जादूगर है। अगर उसे मैंने सूचना नहीं दी तब भी उसे पता चल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों मारे जाएं। भैया, ये जानते हुए भी कि मैं जादूगर कपाली की सगी बहन हूँ, महारानी ने राजकुमारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी है। मेरे होते हुए इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं राजकुमारी को लेकर जा रही हूँ। सुमी अपने जादू से राजकुमारी की चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देती है और उसे लेकर गायब हो जाती है। जिसे नाजों से पाला वही मेरी हार देखना चाहती है। आज राजकुमारी के साथ सुमी का भी अंत होगा। मैं ब्रह्मांड का
सबसे ताकतवर जादूगर बनूंगा। तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। नहीं भैया, जब तक मेरे प्राण हैं, मैं सुमी का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। तो ठीक है। पिताजी, जब तक आपकी मौत का बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मुझे आपकी सौगंध। भीमा, रिमझिम मत्स्यलोक की राजकुमारी है। इसके जीवन की रक्षा के लिए हमें आज ही इसका राज्याभिषेक करना होगा। यहीं पर तैयारी करो। तभी राजकुमार भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है और सुमी से कहता है, बुआ जी, जादूगर कपाली ने पिताजी का वध कर दिया है। मुझे आपका साथ चाहिए। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सभी लोग जल्दी जल्दी राज्याभिषेक की तैयारी करने लगते हैं। और जैसे ही राज्याभिषेक का समय आता है, अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मैं आ गया। देखता हूँ मुझे सर्वशक्तिशाली बनने से कैसे रोकोगी। राजकुमार, राजकुमारी के सर पर मुकुट रख दो। तुम भूल गई सुमी, केवल मुकुट रखने से कुछ नहीं होगा। राजकुमारी के अंदर सभी शक्तियों को जागृत करने के लिए उसका विवाहित होना भी जरूरी है। तुम्हारा काला जादू तुम्हें बर्बाद कर देगा भैया। तुम जानते हो गुरुजी ने हम तीनों भाई बहनों को जादू के गुण सिखाए थे और हमसे वादा लिया था कि हम इसका प्रयोग केवल सबकी भलाई के लिए करेंगे। भलाई, भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। अपनी भलाई के लिए अपने जादू से मैं एक असुर सेना की रचना करूंगा और सारे ब्रह्मांड का राजा बनूंगा। अब मुझे अपनी माया का प्रयोग करना होगा। राजकुमार, क्या तुम राजकुमारी से विवाह करोगे? लगता है विधाता ने तुम्हें ही राजकुमारी के लिए चुना है। भीमा, तुमने इसका पालन किया है, तुम्हें तो इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? मुझे राजकुमारी पसंद है। मैं राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। आप बस मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं यहाँ पर माया से नकली रिमझिम का निर्माण कर रही हूँ, जिसका विवाह किसी मछुआरे से होगा। और कपाली जब तक उसे मारने की कोशिश करेगा, तब तक तुम मंदिर में रिमझिम को मुकुट पहना कर राजकुमार से उसका विवाह करवा दो। रिमझिम के सर पर जादुई मुकुट रखकर उसका राज्याभिषेक कर देता है और राजकुमार उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। ऐसा करने के साथ ही रिमझिम की सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। सुमी, तूने झूठे माया जाल में फंसाकर राजकुमारी का राज्याभिषेक कर दिया। अब तू नहीं बचेगी। देखता हूँ उस मायावी कन्या से विवाह कौन करता है। रुक जाओ जादूगर, बहुत हो चुका। तुम मेरे रक्त से नीलमणि को प्राप्त करना चाहते थे ना? मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ जादूगरनी सुमी को देती हूँ। तुम्हारी सारी शक्तियाँ जादूगरनी सुमी के अंदर आ जाएंगी। आज से तुम जादूगरनी सुमी के गुलाम बन के रहोगे। तुम्हें भी तो पता चले कैसा लगता है किसी का गुलाम बनना। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरी शक्तियाँ मुझसे मत छीनो। सुमी, मत्स्य लोक की अमानत को बचाने के लिए ये आपका उपहार है। इसकी सभी शक्तियाँ आपकी हुई। प्यारी रिमझिम, तुझसे विदाई का समय आ गया है। माता पिता के रूप में हमने तेरा विवाह अपने हाथों से कर दिया। जा बेटी जा, अब तू अपने कर्तव्य निभा। माँ, पिताजी, मैं जिंदगी में आपको कभी भूल नहीं सकती। जब मैं थक जाऊंगी और मुझे माँ की गोद की याद आएगी, तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। ये तेरा घर है बेटी, इसके दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं।
रिमझिम मछुआरों की बस्ती से विदा होकर मत से लोग चली जाती है।